जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। प्लीज सभी लोग आ जाइए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्लीज सभी लोग जल्दी से आ जाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। तब तक हम मंत्र जाप कर लेते हैं, जब तक आप लोग सब जुड़ जाइए प्लीज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आई हुई सारे संगत का बहुत बहुत शुक्राना। अंगद जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? प्लीज़ मुझे एक बार कोई मैसेज करके ये बता दें मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। जय गुरु जी। प्लीज़ आप में से कोई मुझे बता दे प्लीज़ एक बार मैसेज करके कि मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को। हाँ जी। जय गुरुजी आंटी। जय गुरुजी मीनू आंटी। गुरुजी की संगत का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, इसलिए मैं उस अगर कुछ गलती कर जाऊँ बोलते बोलते तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। बाकी मैं बस यही बोलूँगी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी वाणी में आके विराजमान हो, और मैं जो भी आज सत्संग शेयर करूँ वो मैं ना करूँ, आप मुझ मतलब आप ही करवाएँ, आप ही बुलवाएं जो संगत को जो आप रिप्लाई देना चाहते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको आज अपने बहुत सत्संग शेयर करूंगी, और कुछ तो ऐसे सत्संग है जो लर्निंग के ऊपर है, मतलब जो गुरुजी ने मुझे सिखाया है इन दिनों, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। अभी एक छोटा सा सत्संग मैं आपसे शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले मेरे ना कमर में मतलब बड़े ज़ोर से पेन होना शुरू हो गया था। वो पेन इतना स्वेर पेन हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है कि एक साइड मेरी जैसे ना ब्लॉक हो गई, इतना बुरी तरह दर्द था। मैंने शाम को अपने हस्बैंड को कॉल किया शॉप पे, मैंने बोला कि मेरे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आना ही पड़े शॉप से। मैं पेन किलर तो खाई पर मुझे उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं, और मुझे समझ में नहीं आया कि मैं थोड़ी देर लेटी थी उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि एकदम से बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि अगर इनको मतलब शॉप से बुलाऊँ कि वो काम छोड़ के आएंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट वो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था पेन। मैंने फिर अपनी मम्मा को फ़ोन किया, मैंने मम्मा को बोला, मैं क्या मम्मा मेरे को ना बहुत ज़ोर से पेन हो रहा है बैक में, पता नहीं क्या बात है क्या रीज़न है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मम्मा कहते हाँ कुछ दिन पहले ना मुझे भी इसी तरह से पेन हुआ था रात को, और आधी रात को पेन हुआ और मैं गुरुजी को पूछा मतलब बोला कि गुरुजी इस टाइम तो मुझे कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत पेन हो रही है, आप मुझे बताओ। तो मम्मा को गुरुजी ने सपने में आके बताया कि वो पेन से उनको कैसे रिलीफ मिलना है। आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी, मतलब संगत जी आप गुरुजी से कुछ भी सवाल पूछते हो, कुछ भी मतलब लाइक अगर आप किसी बात से परेशान हो, आप अकेले हो घर में, ठीक है ना, आप परेशान हो तो आप कुछ भी सवाल पूछते हो गुरुजी से, चाहे वो रात का टाइम है चाहे वो 24 घंटे आपको सुनते हैं संगत जी, 24 घंटे। और इस चीज़ का प्रूफ तो उन्होंने खुद ही दे दिया उस दिन। मामी ने बोला कि मेरे को बहुत पेन है तो गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए, तो गुरुजी ने उनको मतलब टेलीपैथी के थ्रू बताया, मतलब उनके
सपने में, ड्रीम में एक तरह से आके बताया कि तुझे अपनी पैरों को, मतलब अपने पैरों को अपनी चेस्ट की तरफ फोल्ड करके उसको होल्ड करना है, लाइक मेरे को अपनी टांग को इस तरह से होल्ड करके पकड़ के रखना है, और 5 मिनट को आपको ऐसे पकड़ के रखना है, उसके बाद दर्द ठीक हो जाएगा। तो जैसे मम्मी को सपने में दिखा, उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने 5 मिनट अपने दोनों टांगों को उठाकर अपने चेस्ट के पास ऐसे ब्लॉक कर लिया, दबा लिया, और 5 मिनट ऐसे ही लेटे रहे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 5 या 10 मिनट हार्डली निकले होंगे। उसके बाद पता नहीं वो दर्द कहाँ गया मम्मी का, कहाँ नहीं, वो तो मतलब गुरु जी जानते हैं वो कैसे वो गायब हो गया दर्द। और जब मम्मा ने मुझे बोला कि तू भी ऐसा ही करके देख, गुरु जी ने तो मुझे ये रिप्लाई किया था, तो मुझे लगा कि सडनली मम्मी का अगर फोन आया, मतलब मैंने मम्मी को फोन किया था, तो उसके बाद जब उनका आया है तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि ऐसे करना चाहिए तुझे ना, अपने लेग्स को फोल्ड करके ना लेट जानी चाहिए जमीन पे, और 2 मिनट फोल्ड करके रख। और बिलीव नहीं करोगे, जो मैं, मुझे लग रहा है मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, मतलब मैं चलना तो बहुत दूर की बात है, खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। जब मैंने उस लेग्स को फोल्ड किया तो विद इन 5 मिनट, बिलीव नहीं करोगे आप, मैं चलने लग गई थी, मतलब मुझे इतना आराम मिला। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दर्द हुआ थोड़ा सा, बट मुझे समझ में आ रहा था कि मेरा थोड़ा सा दर्द का टाइम ले रहा है, तो मुझे ये जो प्रोसेस है वो बार बार करना है। तो उस दिन मैंने 3-4 बार वही चीज को रिपीट किया, तो मुझे बहुत ज्यादा आराम मिला। अब पता नहीं किसको संगत में इस बात का जवाब मिल रहा है, जिसको पेन है शायद बैक में या लेग में या क्या चीज है, तो गुरु जी मेरे थ्रू शायद कहलवा रहे हैं उनको कि प्लीज आप ये करके देखिएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर दोबारा बताती हूँ, अपनी दोनों टांगों को आपने, मतलब लाइक मेरी दोनों टांगे हैं, मैं उसको दोनों को फोल्ड करके अपने ऐसे छाती के पास लेके जाऊंगी और इसको होल्ड कर लूंगी। इससे क्या होगा कि जो बैक की नसें होंगी वो खुल जाएंगी शायद। तो गुरु जी ने यही समझाया उस दिन मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारी तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी गुरु जी ध्यान रखते हैं। ये तो हमारी मूर्खता है कि हम लोग कई बार सोच लेते हैं कि गुरु जी पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते। मैंने संगत जी कितनी ज्यादा सत्संग को, मतलब संगत को कहते हुए सुना है, कई बार जब हम परेशान होते हैं, इवन कि मैं भी अपने आप को इंक्लूड ही करूंगी इसमें, क्योंकि कई बार हम जब परेशान होते हैं तो हम इतनी ज्यादा अपनी सेंसेस खो देते हैं कि जहां हम इतना विश्वास कर रहे होते हैं गुरु जी पे, जब परेशानी बहुत ज्यादा आ जाती है तो हमें यही समझ में नहीं आता कि गुरु जी, हम डाउट ही करने लगाते हैं गुरु जी के ऊपर भी कि हाँ गुरु जी हमारे साथ है भी कि नहीं। पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो हमारी नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हम बार बार ये सोच रहे होते हैं कि पता नहीं गुरु जी हमारे साथ है कि नहीं। हालांकि गुरु जी तो हमारे साथ हमेशा होते हैं, हमेशा हर पल वो हमारे साथ होते हैं। अभी 25 तारीख को एक सत्संग हो रहा था यहाँ पे लुधियाना में, मेरे एरिया के पास ही था, तो आंटी ने मुझे उसकी सेवा दी थी। अब मैं इस बात में भी आपको शायद किसी बात का जवाब ही दूंगी कि मुझे आंटी ने किसी बात की सेवा दी थी कि सत्संग में आपने सेवा करनी है, तो मैं बड़ी खुश थी इस बात से कि मुझे सेवा मिली है। और जब 25 तारीख आई तो मुझे उनका कोई मैसेज ही नहीं आया कि किसके घर पे मतलब सत्संग होना है, कहाँ पे सेवा करनी है, क्या मतलब है। उससे कुछ दिन पहले मुझे एक अंकल का फोन आया था सत्संग में आने के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि मैं ना, मतलब मैंने इस अपनी सेवा वाली जो बात थी 2 या 3 लोगों के साथ शेयर किया होगा, वो भी ऐसे नहीं नॉर्मल तरीके से कि भाई जैसे मैं नहीं आ सकती उस दिन क्योंकि मुझे वहां पे सेवा मिली है। तो पता नहीं, कहते ना कि आपकी आपकी ब्लेसिंग भी कई बार आप जहां महाराज का हुक्म होता है ना तब शेयर करनी चाहिए, नहीं अदरवाइज नहीं करनी चाहिए शेयर। कहते ना नजर लग जाती है, या कई कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं मानती इन चीजों को, बट कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि नजर लग जाती है, या कोई टाइम सही नहीं होता, गुरुजी महाराज की मर्जी नहीं होती टाइम से पहले बोलने की, तो मैंने उस चीज को टाइम से शायद पहले ही बोल दिया लोगों को कि भाई मैंने सेवा करनी है वहां पे जाके, आप मैं नहीं आ सकती या कुछ भी रीजन था, तो उस दिन वो सत्संग नहीं हो पाया, मैं सेवा नहीं कर पाई वहां पे जाके। मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी सत्संग कहाँ पे है, तो वो बोलते हैं कि उनका तो सत्संग कैंसिल हो गया है, उन्होंने अब शायद अभी आगे तक की मतलब कोई डेट में करवाएंगे, अभी उनके घर में सत्संग नहीं है। तो उस दिन मैं बड़े डिसअपॉइंटेड सी हुई, मैं कह गुरु जी एक तो मैं वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ तुम्हें पता ही है, अब ये सत्संग भी नहीं होगा, मेरे को सेवा करनी थी, पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट कटना था, अब ये क्या हो गया गुरु जी। तो मैंने बोला, मैं कह गुरु जी प्लीज आप ऐसा मत करो, मेरे को सेवा करने का मौका दो, मुझे नहीं पता,
नहीं तो मेरा मन और परेशान हो जाएगा, पता नहीं आप मेरे से नाराज हो गए हो, क्या बात है। आते हैं ना 100 साल के सवाल मन में कि पता नहीं क्या बात है, गुरुजी ने सेवा क्यों नहीं करवाई या कुछ भी। तो उसी तरह से मेरे मन में भी चल रहा था। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो उस दिन क्या हुआ, वो सत्संग तो नहीं हुआ बट हाँ एक चीज हुई कि हमारी गली में एक है मतलब नेबर्स जिन्होंने सत्संग नहीं करवाया बट एक क्या कहते हैं लंगर लगवाया था अपनी गली में। तो वहां पे मुझे सेवा करने का इस तरह से मौका मिला कि मैं और मेरे हस्बैंड जो थे वहां पे खड़े हो गए लंगर बांटने के लिए। तो जब जितने भी लोग वहां पे चाय प्रसाद को पी रहे थे, तो जितना भी वो चाय प्रसाद पीने के बाद वो उसको मतलब अपनी जो भी कप्स थे डिस्पोजेबल उनको थ्रो किया हुआ था उन्होंने सड़क के ऊपर, वो सारे के सारे हमने कप्स को इकट्ठा करके, हमने हम दोनों ने हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठा करके उनको एक कैरी बैग के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये भी तो एक सेवा ही है। तो गुरुजी ने कहाँ से मेरी वो बात को भी पूरा किया कि जो मेरे मन में चल रहा था कि नहीं मैं सेवा नहीं कर पा रही हूँ, तो गुरुजी ने वो भी पूरा किया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। पता नहीं आप, ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं, मतलब लाइक कि कोई भी छोटी छोटी बातें होती है, सेवा करना कहीं पे भी, आपने मतलब कहीं भी आप जाते हो, सिमरन करते हो, भजन करते हो, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, जो उसका इम्पैक्ट होता है, कई बार हमें उस टाइम समझ में नहीं आता बट बाद में बात रियलाइज होती है कि हाँ यहाँ पे गुरुजी महाराज ने हमें से ये काम करवा के पता नहीं हमारा कौन सा कष्ट काटा होगा। इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपने हर पल में मेरा हाथ थामा है, हर पल में। इस बार तो ऐसा हो गया कि जो मैंने सोचा भी नहीं था, इस बार कुछ ऐसा हुआ कि मैं कहते ना सत्संग में सच ही बोलना चाहिए, तो मैं वो सच बोल रही हूँ जो मेरे साथ हुआ मतलब एग्जैक्टली। क्योंकि वो वैसे तो हम लोग हर एक चीज एक्सपीरियंस वाली शेयर करते हैं पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम नहीं शेयर कर पाते। मैं गुरुजी महाराज से आज परमिशन ले रही हूँ कि भाई ये भी चीज मैं शेयर करूँ, क्योंकि है तो हम इंसान ही ना, चाहे मैं जितना मर्जी कहूँ कि हम लोग पॉजिटिव रहे पर कई बार ऐसा होता है जब प्रॉब्लम आती है तो कई बार आपको समझ में ही नहीं आता, कई बार आपको दूसरे की वजह से ही नेगेटिव हो जाते हो। आपके फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप बहुत अटैच्ड हो, अगर वो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है इस टाइम पे आके, बहुत ज्यादा परेशान है किसी वजह से, तो आप कई बार उसकी परेशानी को देखते देखते यही भूल जाते हो कि मुझे परेशान नहीं होना है, मुझे तो इसको संभालना ही था। और कैसे कैसे मैं परेशान हो गई मुझे पता ही नहीं लगा, मतलब मुझे किसी तरह से उनको संभालना था अपनी फैमिली मेंबर को। अब मैं संभाल भी रही थी, पता नहीं उसे मुझे क्या हुआ कि मैं खुद ही इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। वो तो कहते हैं ना कि गुरुजी परीक्षा ले रहे होते हैं कई बार, और आप डोलते भी हो आप संभलते भी हो, बहुत सारी चीजें होती है। मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी इसमें कि 2400 घंटे एक जैसा मतलब नहीं रहता हिसाब किताब कि आपका माइंड 2400 घंटे पॉजिटिव ही सोचे, पॉजिटिव ही रहे। कोशिश तो हम पूरी करते हैं पर है तो हम इंसान है ना, कभी भी डोलेंगे, कभी कोई बात करेंगे ऐसी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैं उस दिन थोड़े परेशान ज्यादा थी। संगत जी जब आप परेशान भी होते हो ना तो तब भी गुरु जी को ही पता होता है कि कैसे कैसे आपको कहाँ कहाँ संभालना है। तो मैं उस दिन जब परेशान थी तो मैं मुझे एक ना उस टाइम पे खबर मिली कि मेरे फ्रेंड सर्कल में किसी के बेटे की डेथ हो गई थी, डेथ हो गई थी ब्लड कैंसर की वजह से। मेरा फ्रेंड सर्कल वो ऐसा था कि जैसे मतलब मैं उसे जानती जरूर थी पर बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं थे, हम लोग किट्टी मेंबर्स थे जो कि हम लोग नियर अबाउट 3 या 4 ईयर से नहीं मिले थे, मैं उसके टच में नहीं थी बट मुझे पता लगा तो एज अ ह्यूमैनिटी मैं उसके पास गई उसका अफसोस करने के लिए। पर उन दिनों शायद मैं बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। संगत जी मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि उन दिनों मैं खुद इतनी नेगेटिव चल रही थी, उन दिनों मैं खुद इतनी परेशान चल रही थी, इन बिटवीन जब ऐसा कोई मैसेज आया तो मैं एज अ ह्यूमैनिटी वहां चली जाना बनता भी है और जाना भी चाहिए, तो मैं जाने ही वाली थी। उस दिन मुझे रात को बहुत परेशानी हुई ये सुन के कि हाँ मतलब ये बहुत बुरा हुआ जिसके साथ भी हुआ। नेक्स्ट डे मैंने प्रोग्राम बनाना था पर रात को मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी ने कह रखा था कि तू ना जाई, मतलब तू वहां पे मत जाना। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने गुरु जी की बात को गौर नहीं किया, सही बता रही हूँ मैं गौर नहीं किया, मुझे लगा कि शायद मैं ही घबरा रही हूँ भाई ऐसा इंसिडेंस हुआ है।
तो मैं ही घबरा रही हूँ, मैं मुझे जाना चाहिए। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई वहां पे, और जब मैं वहां से वापिस आई, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज हो जाती है कई बार जो अनएक्सपेक्टेड होती है बहुत ज्यादा, और आप किसी की बात सुनते हो तो आप और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो। तो जब मैं उनकी बात सुन रही थी तो मुझे काफी ज्यादा दिल को लगी कि हाँ ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। तो ये चीज वैसे तो हमें तो किसी को दिलासा ही देना चाहिए, बट कहते ना माँ के लिए वो चीज का दिलासा लेना बहुत मुश्किल था। तो मैं उसको कुछ वर्ड्स नहीं कह पाई, मैं मुझे पता नहीं वहां पे कुछ बैठे बैठे ही लगा कि मुझे यहां से चले जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लगा, मुझे नहीं पता, वो भगवान जानते हैं, गुरुजी जानते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगा। कहते ना जब आप खुद ही अपने सेंस ऑफ माइंड में नहीं होते हो ना, जब आप खुद ही नेगेटिव हो रहे होते हो, तो उस टाइम पे बात भी अफसोस कर लेना चाहिए या कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था मुझे जो मैं नहीं समझ पाई उस टाइम। घर आके मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं और चीजों में ज्यादा मतलब परेशान हो गई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई। घर की परेशानियां मुझे और बड़ी 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 लगने लगी। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, ये नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, बट वो सेंस ऑफ माइंड बिगड़ जाना कि आप उस टाइम ये सोचने लग जाओ कि नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और मुझे तो कोई मतलब मैं तो ठीक ही नहीं हो पा रही, सबके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। तो इस तरह के कुछ विचार आपके मन में आते रहते हैं जब आप परेशान होते हो, ये ह्यूमन नेचर है एक्चुअली। तो वो चीजें मेरे मन में भी आई, और 2 दिन पहले की बात है जब मैंने इन चीजों को बहुत ज्यादा मतलब सोचा ना, तो जब कल आंटी का मुझे मैसेज आया कि आपने ना सत्संग शेयर करना है, तो ये मैसेज मैंने रात को 12 बजे पढ़ा। मैंने कहा ओके आंटी, थैंक यू। वो कहीं ना कहीं मेरे मन में उस टाइम ये आ रहा था कि पता नहीं गुरुजी मेरे साथ है कि नहीं है, मैं भी तो बहुत परेशान हूँ, सब कुछ सबके साथ परेशानियां हैं, कुछ नहीं सही हो रहा मुझे। तो जब आप कहते हैं ना कि जब आप नेगेटिव होते हो आपको चारों तरफ नेगेटिव ही लगने लगता है, आप अच्छाई भूल जाते हो, कहाँ कहाँ गुरु जी ने आपका साथ दिया है, कहाँ कहाँ आपको सहारा दिया है, वो सब चीजें भूल जाते हो। आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा होता है कि हाँ सब तरफ नेगेटिविटी है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था। मैं माफी मांगती हूँ गुरु जी से कि मुझे माफ कर दो, बट है हूं तो खैर इंसान ही ना, कभी ना कभी तो ऐसा होता है कि आप डोल जाते हो थोड़ा सा। वो एक पॉइंट पे मैं डोली जरूर हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं गुरु जी ने वो लंगर की सेवा उस दिन करवा के ये बता दिया था कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, और प्लस ये भी बताया था कि एक मिनट संगत जी मैं इसको पीछे कर लूँ। कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे ये बताया था कि तेरे से मैं यहाँ पे भी सेवा करवा रहा हूँ। और कुछ दिन पहले जब मैं रात को सैर कर रही थी तो एक आंटी मुझे मिले हैं, तो उन्होंने बताया जिनको जो हमारे मतलब जैसे गुरुजी ने मुझे एक जरिया बनाया था उनको साथ जोड़ने का, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एहसास भी गुरुजी ने दिलवाया कि देखो कि लोग खुश हैं, लोग अटैच मतलब गुरुजी साथ जुड़ रहे हैं, परेशानियां सबकी लाइफ में आती है, बट ये नहीं कि उस परेशानी को पकड़ के आप बैठ जाओ और ये सोचो कि नहीं सब कुछ नेगेटिव ही है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहते ना आज इस बात का गुरु जी ने इन सब बातों में मुझे एक बात का बहुत अच्छा रियलाइज करवाया कि तू भावे कहते ना चौथी मंजिल तो लटकी हुई है, लटकी जरूर हुई है, गिरी तो नहीं ना। लटकने में और गिरने में बहुत फर्क होता है, हम लटकने में इतना घबरा जाते हैं कि अब गिरे अब गिरे अब गिरे। कहीं ना कहीं जब आप नेगेटिव होते हो ना संगत जी, तब आप उन सब नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच रहे होते हो जिनसे आपको दूर भागना चाहिए। तो गुरु जी ने कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज करवाया कि कभी ना कभी तो इंसान नेगेटिव होता भी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, मैं तेरी बांह फड़ी हुई है, तेरे मैं गिरन नहीं देता। तो जब ये सब बातें हुई तो रात को जब मैं उन आंटी से जब सैर करते हुए बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे अंकल उनके मतलब उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई थी पीछे, तो वो कैसे मतलब वो ठीक हो गए, और उसके बाद से वो गुरुजी को बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं। और उस दिन कह रहे थे कि तेरे अंकल मुझे कह रहे हैं कि उनके मन में ये मतलब टेलीपैथी से गुरुजी ने डाला कि तू मेरे पास डुगरी ही मंदिर आ, मेरे को मत्था टेक, मेरे लंगर खा, मैं तेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स दूर कर दूंगा। संगत जी यही चीज होती है कि
जरूरी नहीं है कि आप हर सत्संग में जा रहे हो, हर जगह जाके बैठ रहे हो तभी आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अगर आपका भाव अच्छा है, आपका मन अच्छा है, सच्चा है, आप घर बैठ के भी गुरु जी को याद करते हो तो गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं। तो कैसे अंकल इतना ज्यादा डिवोटी भी नहीं है, कभी सत्संग में गए भी नहीं है, बस वो गुरु जी के स्वरूप को उन्होंने अपने पास रखा हुआ है और वो उनको रोज प्रे करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो गुरु जी ने उनको मतलब देखो सपने में आके ये कह दिया कि तू मेरे पास डुगरी मंदिर आ, जो भी तेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना उत्थे आके सब खत्म हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये सब बातें जब आप ही किसी को बताते हो और आपको दोबारा सुनने को मिलती है, कई बार आप भटक जाते हो, तो ये सब बातें आपको उतनी ज्यादा पॉजिटिविटी देती है, उतना ज्यादा आपके मन को शांति देती है कि बस समझ में आने लगता है कि हम किस गलत ट्रैक पे जा रहे थे, गाड़ी कहाँ गलत मुड़ रही थी, अब उसको दोबारा सही ट्रैक पे भी गुरु जी ही लाते, आपसे गलतियां भी वही करवाते हैं और आपको सही राह पे भी वही लाते हैं। तो संगत जी मैं तो बस एक ही बात पे कहूंगी कि जरूरी नहीं होता हम किसी की हेल्प जो कर सके हैं करते हैं वो फाइनेंशियली कर सके, आप किसी को इमोशनली सपोर्ट करके, आप किसी के दुख बांट के या किसी की बात को सुन के उसका मतलब कहते हैं ना उसको एक सही राह दिखा के कि गुरु जी की राह पे चलने का बताकर आप उसकी जो हेल्प करते हैं उसका भी आपको उतना ही पुण्य मिलना है जितना कि आप किसी को भूखे को खाना खिला के या किसी की मदद करके करते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगले की प्रॉब्लम है मैं क्यों करूं, मैं क्या जानूं। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो कोई हमारी हेल्प करेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक चीज मैंने संगत जी और सीखी कि कई बार हमें लगता है कि हम किसी से नाराज हैं तो हमें लगता है कि हम उसे माफ कर चुकी है या भूल चुकी है या हमारे मन में कोई मलाल नहीं है, पर कहीं ना कहीं छोटा बड़ा थोड़ा बहुत मलाल तो हर किसी के मन में रहता है कि उस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था तो मैं परेशान हूं, वो मेरा दोषी है। एग्जैक्टली वो तो टाइम की बात थी कि वो टाइम पे जो आपके साथ होना था वो होना ही था, जरिया किसी ने भी बनना होता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी, अपनी लाइफ का विलन किसी को मत समझो, जो आपके साथ हो रहा है या होता है वो भी सब महाराज की मर्जी है, वो एक परीक्षा होती है जिसमें आपको टेस्ट करना होता है गुरुजी ने कि हाँ यहाँ पे आप डोलते हो कि नहीं डोलते या कितना विश्वास को बना के रखते हो। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मेरा तो यही था उस टाइम पे आके कि मुझे कहीं ना कहीं ये तो समझ में आ रहा था कि चीजें खराब हो रही है जब मैं नेगेटिव थी, पर मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि गुरु जी संभाल लेंगे। मैं सीरियसली बताती हूँ कि मुझे पूजा भी करनी होती थी ना, बस मेरा दिल करता था मैं फटाफट पूजा करूं, जोत जगाऊं और नीचे भाग जाऊं, मेरा मंदिर ऊपर है, मैं कहती थी बस मैं नीचे भाग जाऊं। वो उन दिनों की बात थी जब मैं बहुत ज्यादा टेंस थी, पर कहीं ना कहीं ये जरूर पता था कि मुझे जोत जगानी है, मुझे अपने सारे काम करने हैं, मुझे छोड़ना कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा ये विश्वास कभी ना जाए, मरते दम तक ना जाए कि मुझे गुरु जी को छोड़ना है। मैं कौन होती हूँ, मेरे को तो उन्होंने संभाल रखा है, हम तो बड़ी जल्दी छोड़ने या पकड़ने की बात कर लेते हैं, मतलब विश्वास को तोड़ने की, छोड़ना मतलब इन द सेंस वो छोड़ना नहीं, विश्वास को छोड़ना। विश्वास कभी ना छूटे, किसी का भी ना छूटे संगत जी, एक विश्वास पे ही दुनिया कायम है ना कहते, अगर आप विश्वास ही नहीं करोगे गुरु जी पे तो वो आपका सहारा कैसे बनेगा। अगर मैं विश्वास ना करूं कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं तो अगर मैं लटकी पड़ी हूं तो मैं तो बहुत सारी जगह पे झूल रही हूं, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें झूल रही है। तो प्लीज मैं एक बात कहूंगी कि गुरु जी पे विश्वास रखिए, कंडीशन जितनी मर्जी वर्स्ट आ जाए, कई बार ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो सब कुछ खत्म नहीं हो रहा होता, वहां से एक नई बिगनिंग का स्टार्टअप होता है। कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपने कारोबार किया, ठीक है, वो कारोबार बंद हो गया, ठीक है, किसी वजह से भी बंद हो सकता है, बंद हो गया, पर उसके बंद होने में इतना नेगेटिव होना या इतना ज्यादा मतलब गलत सोच लेना, या कोई ऐसा है इंसान आपका जो नियर वन है जो हॉस्पिटल में है, बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने आज एक सत्संग सुना जिसमें कि आंटी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बट उस आंटी का और उन अंकल का इतना ज्यादा ट्रस्ट था गुरु जी के ऊपर, इतना ट्रस्ट था कि पूछो ही मत। वो ये कह रहे थे डॉक्टर ने जवाब दे दिया ना, डॉक्टर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करेंगे, हमने सत्संग करना नहीं छोड़ना, मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी,
वाकई में सत्संग में और मंत्र जाप करने में इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है, इतनी ज्यादा ब्लेसिंग है। मंत्र जाप से एक मुर्दे इंसान को भी आप जिंदा करके कर सकते हो। मतलब तो कोई इंसान ऐसा है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, वो भी इंसान अपनी सांस से दोबारा ले सकता है, सब कुछ दोबारा ठीक हो सकता है। तो कभी भी नेवर गिव अप योर होप, गुरु जी पे विश्वास बनाए रखो, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप विश्वास के पक्के हो ना, तो आप कहते ना पहाड़ जितना मर्जी बड़ा हो आप उसको पार कर जाओगे। मैं अपने आपको एक बात बताती हूँ, मेरे फादर जब पीछे बीमार पड़े थे बहुत ज्यादा, तो मेरे फादर को भी जैसे मैं क्या करती थी हॉस्पिटल में जब हम लोग होते थे, तो मैंने कभी अपने यूट्यूब पे लगा के ना सत्संग उनको सुनाना, कभी कोई मंत्र जाप उनके मतलब कान के पास लगा देना। तो सबसे बड़ी बात उस टाइम पे ये थी कि डॉक्टर चाहे कुछ भी कह रहे थे, पर हम लोग अपना ही प्रोसेस कर रहे थे, हम लोग अपने विश्वास पे चल रहे थे कि नहीं गुरु जी है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वाकई में गुरु जी ने हमारी लाज रखी, टेलीपैथी के थ्रू आके सपने में आके गुरु जी ने बताया कि कैसे कैसे गुरु मतलब महाराज ने खुद उस संकट को अपने ऊपर लिया। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे संगत जी कि कोशिश ये करें कि चुगली से, किसी की निंदा से या इन सब चीजों से दूर रहे, क्योंकि ये सब चीजें जब आपके कर्म बनती है ना, तो जो कर्म होता है, जो कष्ट होता है, वो गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं। मतलब वो जो कष्ट आपने भोगना था वो अपने ऊपर उन्होंने लिया। आप चाहोगे कि आपके कष्ट या आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जो जिसकी तकलीफ आपको हो रही थी, वो तकलीफ गुरुजी मतलब सहन करे बार बार, वो बार बार तकलीफ गुरुजी को हो? हम ये भी तो नहीं चाहेंगे ना कि हमारे महाराज जिनको हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं वो भी तकलीफ में रहे। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सबसे कि कोशिश ये करिए कि जितना हो सके किसी, कोई भी अगर चुगली करता भी, चुगली इन द सेंस की हो सकता है ये होपर नेचर है कि हम किसी ना किसी की बातें करते ही है, जहाँ पे कोई बाहर जाओगे कोई किसी की बात कर रहा होगा या कुछ है, इट्स अ होपर नेचर कि हम थोड़ी बहुत बात करते ही है। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि उस टाइप पे उस टॉपिक को मतलब ट्विस्ट करके किसी तरह से मोड़ के हम किसी और टॉपिक के ऊपर चले जाए। अगर हम सीधा किसी को बोलेंगे कि हाँ आप उसकी बात मत करो, मैं नहीं सुनती, मैं नहीं करती, वो भी थोड़ा सा एरोगेंस सा लगता है आपकी बिहेवियर में कि नहीं मैं तो इसे बात कर रही हूँ, ये सुन नहीं रही है, इनको ऐसे बोल रही है। तो हर किसी को बात को कहने का एक तरीका भी होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई और बात बीच में एड ऑन करके उस बात को साइड पे कर दो जिसमें कि किसी की बुराई या किसी की चुगली की जा रही है। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहते थे कि चुगली से दूर रहो, और ये बात तो मैंने देखा भी है। इवन की एक आंटी है जो किसी के बारे में कुछ बोलते थे, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है सब कुछ, तो कि जिस पॉइंट के ऊपर वो दूसरों को बोल रहे थे, इन फ्यूचर आके वही पॉइंट उनको झेलना पड़ गया। और सबसे बड़ी बात संगत जी ये होती है कि आप जिस पॉइंट पे दूसरे को बोल रहे होते ना, आप हमेशा दिमाग में ये चीज रखो कि अगर किसी को किसी पॉइंट पे भी कुछ बोल रहा हूं ना, तो वो चीज मेरे को भी कल को फेस करनी पड़ सकती है। तो जब आपके दिमाग में ये चीज होगी ना, तो आपकी जबान अपने आप ही चुप हो जाएगी वहां पे कि नहीं यार मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना, हर किसी का अपना कर्म होता है जो उसकी लाइफ में चल रहा है। हर एक इंसान की अपनी जर्नी है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, कोई कैसा भी है वो उसकी अपनी जर्नी है, हमें किसी को कमेंट नहीं करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूं ना, कहते ना कई बार ऐसा होता है कि आपके गुरु जी बाँह पकड़ते हैं, फिर हल्का सा छोड़ते हैं, टेस्ट करते हैं आपको, फिर दोबारा कस के पकड़ लेते हैं। तो ये जो टेस्टिंग का टाइम पीरियड होता है ना, सम टाइम आप पास भी होते हो, सम टाइम आप फेल भी होते हो, पर ये दोनों तरीके से गुरु जी आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि हाँ, जहां पे आप फेल भी होते हो ना, वहां पे आपको एक लर्निंग मिलती है। इट्स नॉट डिसअपॉइंटिंग कि हाँ मैं तो फेल हो गई, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया कि मेरे गुरु जी से मतलब ऐसे बात पे विश्वास नहीं किया या कुछ नहीं किया, वो भी एक टेस्टिंग होती है, एक लर्निंग पार्ट होता है। इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाई, कहते ना जब हम पढ़ते हैं एग्जाम देते हैं, तो कई बार मैडम टेस्ट लेती है बीच बीच में, पहले प्री टेस्ट होते हैं कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया आपका, आपको कहीं कुछ कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। वो टेस्ट में आपको समझ में आ जाता है कि यहां से मेरा ये क्वेश्चन छूट गया है और मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो ये आपका टेस्टिंग पार्ट है, जहां पे आपको समझ में आ रहा होता है कि यहां पे गलती कर रही हूं, ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, जहां पे मुझे गुरु जी ने रेक्टिफाई किया।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे जैसे गुरु जी ने हर किसी को संगत को जोड़ा हुआ है ना, मैं एक रिक्वेस्ट बार बार करना चाहूंगी कि वो तो एक अच्छी बात है कि हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, वो गुरु जी ने ही कहा हुआ है, पर जो ब्लेसिंग है ना, जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ बट जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं इसलिए थोड़ा सा बोल रही हूँ कि जो बहुत ज्यादा मतलब एक लेवल पे बात चल रही है कि अमृत वर्षा हो रही है। चलो अच्छी बात है, अमृत वर्षा हो रही है, गुरु जी अमृत वर्षा आपके लिए कर रहे हैं। अगर कोई चीज दे रहे हैं तो वो आपको दे रहे हैं, आपको इस तरह से। गुरु जी को पब्लिसिटी तो पसंद थी ही नहीं बहुत ज्यादा, मतलब अपने टाइम पे भी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं की है। आपकी ब्लेसिंग सिर्फ आपके लिए, आप ये वीडियोस बना बना के बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लेवल पे कुछ बोल रहे हो, एक्स्ट्रा लेवल पे जा रहा है वो बहुत ज्यादा चीजें। एक कहते ना, हर एक चीज की लिमिट होती है, अगर ओवर लिमिट चीजें चल रही है, ओवर लिमिट हो रहा है बहुत ज्यादा चीजों को लेके, तो फिर मेरी तो यही रिक्वेस्ट है जहां तक मुझे समझ में आता है कि बहुत ज्यादा ओवर एक्सेस चीजें नहीं करनी चाहिए। आपको ब्लेसिंग मिली है, आप अपने तक रखो, अगर आपको बताना भी है अपने डियर डियर को थोड़ा सा टाइम के लिए बता दो, पर हर वक्त हर टाइम नहीं अच्छा लगता ये चीज को एक्सप्लोर करना। कई बार क्या होता है कि आप तो ब्लेसिंग शेयर कर रहे हो, अब मैं जानती हूं कि ठीक है वो अच्छी बात है कि आप कर रहे हो और आप सच्चे भी हो, पर कई बार क्या होता है कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों का ये कमेंट भी होता है कि पता नहीं ये दिखावेबाजी कर रहे हैं, ये अपनी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, ये अपने आप को ऊपर दिखाना चाह रहे हैं कि ये ज्यादा मतलब गुरु जी के डियर है तो गुरु जी को ऐसे ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो ये चीजें, ये जो गॉसिप है ये ना हो, हम सिर्फ गुरु जी से जुड़ने वाले बने, ना कि बहुत सारी चीजों में फंसने वाले या किसी कंट्रोवर्सी में फंसने वाले कि ये सब बातें हो। जहां तक मेरा मानना है, हो सकता है मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, बट मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि गुरु जी सबके घरों में ब्लेसिंग दे, खूब भर भर के ब्लेसिंग दे। और ये जो ब्लेसिंग है, अगर आपको गुरु जी का हुक्म मिलता है कि आपको किसी को बताना है, शेयर करना है, तो आप करें, वरना बहुत ज्यादा पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही जिसके पास जाना होता है, जो नहीं भी जानता गुरु जी को, जो नहीं भी मानता, वो उसके पास ही चले जाते हैं, उसको भी ब्लेस कर देते हैं। अब एक आंटी है, कल मुझे उनका मैसेज आया कि मेरे मम्मी के घर में ना अमृत वर्षा हुई। अब मुझे ये पता है कि वो जो आंटी है जिनके घर में अमृत वर्षा हुई है, वो तो गुरु जी को मानते भी नहीं। तो आप खुद सोचिए, जो गुरु जी को नहीं मानते या कुछ है ऐसा, उनको भी गुरु जी ब्लेस कर देते हैं अपने ढंग से, उनके घर में अमृत वर्षा करते हैं, उनको ब्लेसिंग देते हैं। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शो ऑफ करो, मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए ब्लेसिंग है, आप अपने पास रखो। कई बार गुरुजी कहते थे संगत को कि ये तेरी ब्लेसिंग शेयर करने का सही टाइम नहीं आया है, तो प्लीज संगत जी आप दिखावे में मत जुड़े, आप डायरेक्टली गुरुजी से जुड़े। आपको जो भी शेयर करना है गुरुजी के स्वरूप को आगे रखिए, उनसे बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए, उनको आपको हर बात का जवाब मिलेगा, हर बात का। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं या जब भी हम डुगरी मंदिर जाते हैं, कोई भी मंदिर जाते हैं, आप प्लीज इस बात का कोई गुस्सा मत करो कि सेवादार ने आपसे क्या कहा। सेवादार ने अगर आपको ये कह दिया कि आप पीछे खड़े हो जाओ, आंटी आपने ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है, तो मैं ये बार बार बात कहती हूँ हमेशा कि गुरु जी की ही मर्जी होती है, वो गुरु जी की ही इच्छा है कि आप इस तरह से ना जाओ, इस तरह से जाओ। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्म कटवाने होते हैं, आपको मतलब टर्न लेके गुरु जी ने बुलाना होता है उस तरफ से, कि उस तरफ से टर्न लेके आओगे तो शायद तुम्हारे उस तरह से कट सकते हैं। तो हम कई बार गुस्सा कर जाते हैं, ले उसको तो आगे बिठा दिया, मुझे पीछे बिठा दिया, उसके साथ तो ऐसे घुमा के दे दिया, उसको फर्स्ट में दे दिया। प्लीज ये चीजें करना, ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं, मतलब हम हमारा भाव सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे गुरु जी से मिलना है। वो 5 मिनट में मिले, वो आधे घंटे में मिले, वो कैसे मिले, कहाँ बिठाए, वो सब गुरु जी की मर्जी होती है। और जहां वो बिठाते हैं ना, एग्जैक्टली वहां पे जो आपको ब्लेसिंग मिलनी होती है, वो जो आपकी पर्टिकुलर जगह होती है, कहते हैं ना, हर एक सही चीज का एक सही वक्त, सही प्लेस, सही जगह और सही टाइम होता है। तो वो चीजें जो गुरु जी चाहते हैं, हम उनको काट के अपनी चीजें चला रहे होते हैं कि नहीं मुझे तो इसने ऐसा कह दिया। कई बार ऐसा होता है कि
सेवादार को भी नहीं पता होता, वो घर जाके सोचते हैं कि ये मेरे से आज कैसे कहा गया किसी को। तो हर चीज में गुरु जी की ही मर्जी होती है, हमें यही कहना चाहिए कि तेरा पाना मिठा लगे, कि जो आप कर रहे हो, जो आप कह रहे हो गुरु जी, मुझे तो सिर झुका के बस मानना है। 100% सिलेंडर का मतलब यही होता है कि हम अपने आप को गुरु जी पे बिल्कुल छोड़ दें। मैं जानती हूं कि 100% सिलेंडर करना बहुत आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमें हर वो बात अच्छी लगनी चाहिए जो गुरु जी से जुड़ी हुई है, जैसे भी मतलब जो अच्छी तो लगती ही है इवन की, पर कई कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जो नई मतलब संगत जुड़ती है वही अपने दिमाग से सोचने लगती है कि पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे पार्शियलिटी चल रही है, मुझे पीछे क्यों बिठाया जा रहा है, मुझे आगे क्यों नहीं लिया जा रहा, या मैं लाइन में खड़ी हूं तो वो बंदे आगे चले गए मैं पीछे रह गई। अरे बाबा, यहाँ पे तो कोई VIP नहीं चलता, गुरु जी तो अपने टाइम में नहीं VIP रखते थे। अगर किसी को आगे बुलाया है, आगे बिठाया है या जल्दी दर्शन करवाए हैं, तो हो सकता है गुरु जी ने उसको उस टाइम तक ही वहां पे रुकना था, उसको वहां से निकालना था और आपको बिठाना था, आपका टाइम थोड़ा और था जिसमें आपको गुरु जी के दर्शन कर रहे थे। तो इन चीजों से बचिए। और मैं तो एक बात कहूंगी संगत जी, नया साल आने वाला है तो हमें नए साल पे बहुत ज्यादा गुरु जी से ब्लेसिंग मिले, सबको मिले। और नए साल वाले दिन मेरा जन्मदिन होता है, 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन है संगत जी, तो प्लीज मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे भी ब्लेसिंग दीजिए, मुझे भी आप खूब प्यार दीजिए। और गुरु जी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात क्योंकि संगत में ही गुरु जी होते हैं, संगत में ही गुरु जी है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे लिए खूब ब्लेसिंग मांगना उस दिन, मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी प्लीज मुझे नए साल पे खूब सारी ब्लेसिंग देना। और मेरी जितनी भी संगत आपकी यहाँ पे जुड़ी हुई है या जो नहीं भी जुड़े हुए, जितनी भी आपकी संगत है, आप सबको खूब ब्लेसिंग देना। नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं यहाँ से सत्संग को विराम देती हूँ क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा नहीं बोला जा रहा क्योंकि मुझे बहुत कोल्ड है आज। थैंक यू सो मच गुरु जी सत्संग शेयर करवाने के लिए, आंटी का मैसेज भिजवाने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।